सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का आंसर शीट है जो कि ऑनलाइन और ब्लेंडेड बोर्ड में आता है, मतलब ठीक है 2022 वाले ईयर का है ये, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे कैसे भरना है हर एक कॉलम, तो वो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है परीक्षा का नाम, ठीक है। तो परीक्षा के नाम में आपको लिखना है बीएससी पार्ट 3 एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रोल नंबर, तो आपको एडमिट कार्ड में दिया गया हुआ रोल नंबर आपको भरना है। फिर रोल नंबर मान लो आपका रहा 233511 ऐसे रहा, तो आपको इन वर्ड्स में पहले 2 लिखना है, TWO, फिर 5335, ठीक है, वैसे लिखना है। फिर उसके बाद आता है एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एनरोलमेंट नंबर कुछ ऐसा रहता है HU/335/190111 ऐसे कुछ रहता है। तो आपको वो जो अल्फाबेट है वो नहीं लिखना है, उसके बाद वाला जितना भी नंबर है सब लिख देना है एनरोलमेंट नंबर पे, ठीक है। अब क्या होता है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहता है, विषय का नाम, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र का नाम, परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिनांक, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, विषय का नाम में जैसे मान लो ये है मेरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इंग्लिश वाला, बीएससी फाइनल ईयर का है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विषय का नाम में इंग्लिश, प्रश्न पत्र क्या लिखूंगा मैं, यहाँ देखो प्रश्न पत्र में ये रहेगा मेरा फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। और प्रश्न पत्र का नाम में क्या रहेगा, देखो फाउंडेशन कोर्स के जो नीचे पेपर 2 है, तो प्रश्न पत्र का नाम में रहेगा पेपर 2, परीक्षा का दिन, आज दिन है सोमवार, तो यहाँ पे रहेगा मंडे, और परीक्षा का दिनांक, परीक्षा के दिनांक में रहेगा 18 अप्रैल 2022, ठीक है। और इसके बाद ये संलग्न पूरक उत्तर पुस्तिकाएं की संख्या, मतलब कि आपने कितने और एक्स्ट्रा पेजेस ऐड किए, वो आपको यहाँ पे उसके वो लिखना है, नंबर लिखना है कि एक ऐड किया तो एक, दो ऐड किया तो दो, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भरते हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का आंसर शीट, ठीक है। और यहाँ पे आप 2021-22 भी लिख सकते हो या फिर 2022 भी लिख सकते हो, उतना मैटर नहीं करता, ठीक है।